नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला बदायूं के ग्राम कोट में भेड़े की खुदाई में निकली तदादत गौतम बुद्ध की प्रतिमा और नान अंधरवर वस्तु है। यह पूरा मामला जिला बदायूं के ग्राम कोट का है। यह ग्राम समाज की भूमि का पाट कर ग्रामीण को दिया गया था, जिस पर ग्रामीण ने खेती के लिए जेसीबी से खुदाई कराई, जिससे वहां दिनांक 16 अगस्त 2019 को दो बच्चे रोहिताश शाह के और विनोद शाह के प्रातः केड़े से टहलने के लिए निकले। वहां गौतम देव की बुद्ध की प्रतिमा मिली, जो कि अति प्राचीन है। उस प्रतिमा को लेकर बच्चे गाँव में हर्ष मौर्य जी के पास गए और उन्हें दिखाया। हर्ष मौर्य ने सभी ग्राम वासियों को आसपास के गाँव के लोगों को सूचित कराया तथा उस स्थान पर जाकर प्रतिमा निकालने के स्थान को दिखाया। ग्रामवासियों ने बताया, ये खेड़ा पूर्व में एक राजा शलिवान का राजमहल रहा है और यहाँ एक बहुत विशाल पीपल का वृक्ष था। यहाँ पर उस समय से सिक्के निकलते रहते हैं और यहाँ बहुत बड़े बड़े सब देखे गए हैं, जिनके फन सूप के आकार के थे, जिससे यह माना जा रहा है कि यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध मुनि यहाँ आए थे। गौतम बुद्ध की प्रतिमा मिलने से ग्रामवासियों की मांग है कि इस स्थान को बुद्ध गया, सारनाथ व कुशीनगर जैसे तीर्थ स्थलों में सम्मिलित कर बुद्ध विहार का निर्माण किया जाए। ये यहाँ पर बौद्ध प्रतिमा निकली है, नांदे हैं और सिक्के वगैरह निकलते रहते हैं। इस मामले में आपने किसी शासन या प्रशासन को जानकारी दी है? जी नहीं, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई है। केवल अभी अभी ग्रामवासियों को ही और आसपास के लोगों को ही पता है, ज़्यादा जानकारी नहीं है। परसों की तो बात ही है ये, तो अब आपके माध्यम से ये जानकारी हम शासन प्रशासन दूर दराज तक पहुँचाना चाहते हैं। और यहाँ पर जो है कि हम ये चाहते हैं कि बौद्ध स्थल या भगवान बुद्ध का बिहार हम यहाँ पर निर्माण के रूप में चाहते हैं, जिससे और इस पर हमारा पूरा गांव जो है सभी वर्ग के लोग खुश हैं इससे प्रतिमा निकलने से, और ऐसी मांग करते हैं हम लोग। आपको ये प्रतिमा कब और कैसे मिली थी? हम यहाँ टहलने के लिए आए थे तो यहाँ पर ये मैं ऊपर कर ये धुल गई तो हमने इसे उठा कर देखा तो हमने भाई को दी तो भैया देखिए किन की प्रतिमा निकली है, तो भैया ने कही है तो भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा है। ये प्रतिमा यहाँ निकलने से यहाँ क्या माना जा रहा है? देखो, इतिहास ये बताता है कि जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध के चरण पड़े हैं, जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध रुके हैं, वहाँ पर किसी शासक द्वारा, सम्राट अशोक द्वारा, चाहे पाल शासक रहे हों, चाहे मौर्य शासक रहे हों, चाहे और अन्य शासक रहे हों, उन्होंने वहाँ पर बुद्ध विहार या बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया है। तो इसलिए इसका मानना यही है सीधा सीधा कि यहाँ पर भगवान बुद्ध का आगमन हुआ है इस धरती पर, ये कोट की धरती पर।